एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरलता धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि एक छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के रास्ते में बाधा बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भावना, स्नेह और आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। गौतम बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि ये स्त्री चरित्रहीन है, वह विचारी है, इसने पति को धोखा दिया है और अपने पति के अलावा किसी दूसरे इंसान के साथ शारीरिक संबंध बनाई है। और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती को देखा और कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है। पत्थर मारने का अधिकार उसी का है जिसने कभी व्यभिचारी नहीं किया हो, जिसके मन में कभी भी किसी दूसरी स्त्री या पुरुष को देखकर गलत विचार ना आया हो, या जिसने कभी भी अपनी पत्नी या पति को धोखा देने के बारे में ना सोचा हो। इतना कहकर तथागत शांत हो गए, चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वह खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने की कसम खाए। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए, दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मानना था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं।